बुरी आदतें। नीना अपनी 7 साल की बिटिया रोहिणी की जिद करने की आदत से बहुत परेशान थी। वे लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। दादा दादी के लाड ने रोहिणी को बहुत सिर पर चढ़ा दिया था। बड़ों की बात ना मानना, खाने पीने में नखरा करना, बाजार में हर खिलौने के लिए पसर कर रोना। उसकी इन आदतों से उसकी मम्मी नीना बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि बचपन में सीखी अच्छी आदतें इंसान के व्यक्तित्व को संवारती हैं, बड़े होने पर उसकी सफलता का कारण बनती हैं। वो अगर किसी गलत बात के लिए रोहिणी को डांटती तो दादा दादी उसका पक्ष लेकर कहते कि अभी बच्ची है, बड़े होने पर समझ जाएगी। रोहिणी की स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। नीना भी उसकी टीचर से मिलने स्कूल पहुंची। टीचर ने उसे रोहिणी की नोटबुक दिखाई और उसके व्यवस्थित काम और सुंदर लेखन की तारीफ की। रोहिणी पढ़ने में तो होशियार है, पर क्लास के और बच्चों के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं है। अपनी कोई चीज शेयर नहीं करती है और सबसे अकड़ के बात करती है। मैडम, मैं भी उसकी इन बुरी आदतों से बहुत परेशान हूँ, पर दादा दादी के सामने कुछ नहीं कर पाती हूँ। आप प्लीज मेरी मदद करें। उसके दादा दादी क्या ये नहीं जानते कि इन आदतों को अभी नहीं सुधारा गया तो फिर वे उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाएंगी? Yeah. पता नहीं मैडम, पर जब भी रोहिणी को उसकी गलत हरकतों के लिए टोकती हूँ, वे दोनों मुझे समझाने लगते हैं कि अभी वो बच्ची है, बड़े होकर खुद समझ जाएगी। उनकी इन बातों से उसकी हिम्मत और बढ़ रही है। मुझे समझ नहीं आता है कि उसे सुधारने के लिए मैं क्या करूं। ठीक है, मौका देखकर मैं रोहिणी से बात करूंगी, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने का प्रयत्न करूंगी। आप चिंता ना करें। दूसरे दिन स्कूल ब्रेक के दौरान टीचर रोहिणी को लेकर बगीचे में जाती है। रोहिणी, क्या तुम इस छोटे से पौधे को जमीन से उखाड़ सकती हो? रोहिणी ने टीचर की बात का जवाब दिए बिना ही एक झटके से पेड़ को जड़ सहित जमीन से बाहर खींच लिया। वाह रोहिणी, तुम तो काफी ताकतवर हो। घूमते हुए टीचर और रोहिणी बाग में कुछ और कदम आगे बढ़े। उखाड़े गए पौधे से थोड़े बड़े पेड़ के पास आकर टीचर रुक गई। रोहिणी, ये पेड़ पहले वाले पौधे से थोड़ा बड़ा है, क्या तुम इसको भी जड़ सहित जमीन से बाहर खींच पाओगी? अपनी अकड़ में चूर रोहिणी ने बिना उत्तर दिए ही पेड़ को खींचना शुरू किया, पर क्योंकि वे पौधे से बड़ा और अधिक मजबूत था, इसलिए उतनी आसानी से उसे उखाड़ना आसान नहीं था। उसने और ताकत लगाई। इस बार पेड़ कुछ हिला। उसने थोड़ी और मेहनत की और पेड़ को जमीन से खींच कर बाहर ले आई। बाहर रोहिणी, तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा चलो, अब सामने वो जो बड़ा पेड़ दिख रहा है ना, उसको जड़ सहित खींच कर दिखाओ। रोहिणी का आत्मविश्वास अब तक तो 7वें आसमान पर था। उसने आगे बढ़कर बरसों पुराने उस पेड़ को पूरी शक्ति लगाकर खींचना शुरू किया, परंतु पेड़ टस से मस भी नहीं हुआ। उसने और बल लगाया, पर उसे जरा भी सफलता हासिल नहीं हुई। काफी प्रयत्न करने के बाद वो निराश हो गई। मैडम, ये पेड़ बहुत जिद्दी है, मुझसे नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं बच्चे, आओ उस बेंच पर चलकर बैठते हैं। Yeah. दोनों पास की बेंच पर जाकर बैठते हैं। रोहिणी, तुमने ध्यान दिया कि पौधा क्योंकि छोटा और नया नया था, उसे उखाड़ना आसान था, पर उससे थोड़े बड़े पेड़ को जड़ से निकालना थोड़ा मुश्किल था, है ना? रोहिणी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। सबसे बड़ा पेड़ बहुत पुराना था और उसकी जड़ें मजबूत थीं, इस कारण तुम उसे जरा भी हिला नहीं पाई, है ना? रोहिणी ने पुनः सिर हिलाकर अपना समर्थन दिया। बेटा, आदतें भी ऐसी ही होती हैं। बचपन में बुरी आदतों को कोशिश करके सुधारा जा सकता है, परंतु बड़े होते होते उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और तब उनको उखाड़ फेंकना आसान नहीं होता है। बेटा, तुम देखने में अच्छी हो, बुद्धिमान हो,
पढ़ाई में भी तुम्हारा खूब मन लगता है, पर फिर भी सब लोग तुमसे दूर रहते हैं, है ना? कोई तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता है। क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? क्या तुम्हें दोस्तों के साथ खेलने का मन नहीं करता है? बहुत करता है मैडम। तो फिर तुम सबसे गुस्से में क्यों बात करती हो? तुम्हें मम्मी ऊंची आवाज में डांटती हैं, तब तुम्हें कैसा लगता है? मुझ पर कोई चिल्लाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे तुम्हें किसी का गुस्सा किया हुआ पसंद नहीं आता है, वैसे ही सबको नम्रता से बात करने वाले लोग ही अच्छे लगते हैं। सब लोग विनम्र लोगों से ही दोस्ती करना पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ खेलना चाहते हैं। अच्छा, अगर मैं सबसे अच्छे से बात करूंगी तो सब मेरे साथ खेलेंगे? मुझे अपना दोस्त बनाएंगे क्या? बिल्कुल। आज से तुम अपनी बुरी आदतों को अपने व्यवहार से उखाड़ फेंको और देखना, कुछ ही दिनों में तुम सबकी चहेती बन जाओगी। मैं वादा करती हूँ मैडम कि आज से मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ दूंगी और सबसे प्यार से पेश आऊंगी। शिक्षा, हम में अगर बचपन में कोई बुरी आदत हो तो उसे बचपन में ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बड़ी उम्र के चलते उनका छूटना और भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।